फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है ना, फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आपके सामने आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा कुछ देर पहले या इससे पहले की वीडियो में कि पैकेजिंग क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि कंटेनर के बेसिस पे, कंटेनर के फंक्शन के बेसिस पे, कंटेनर के डिजाइन के बेसिस पे, कंटेनर की ऐसी तैसी के बेसिस पे आपके पैकेजिंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी कंटेनर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंटेनर की। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड द बेसिस ऑफ यूज, कंटेनर इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कुल 8 प्रकार के कंटेनर होते हैं। पहले नाम समझ लेते हैं। पहला है वेल क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, नाम से तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ह्यूमिड है। अगला है हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, लाइफ रेजिस्टेंट कंटेनर, सिंगल डोज कंटेनर, मल्टीपल डोज कंटेनर, एरोसॉल एंड द लास्ट वन इज CRC, चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर। ओके, तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से कि क्या होते हैं कंटेनर। तो पहला है वेल क्लोज कंटेनर। ये नाम से लग रहा है कि ढक्कन कस के बंद कर दिया। वेल क्लोज कंटेनर मतलब कि जिसमें हम ढक्कन को आसानी से बंद कर सके। देखिए इसको समझिए ध्यान से, डिफरेंस क्या है। जैसे कि ये हमारा कोई कंटेनर, आपने कोई लिमका की बोतल देखी है, लिमका यानी कोल्ड ड्रिंक या थम्सअप की बोतल आपने देखी होगी, तो उसके बॉटल्स में क्या होता है कि उसमें कंटेनर ये वाला होता है। एक बार तो प्रॉपर सील्ड होता है, लेकिन एक बार अगर ये ढक्कन खुल गया तो इसी ढक्कन से दोबारा इस कंटेनर को हम क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन वेल क्लोज कंटेनर के केस में क्या है कि ये किस पे होता है, ये होता है इसके कंटेनर किस पे होता है, ठीक है, इसके जो उस पर बनी होती हैं सील्स बने होते हैं, यानी एक बार हम ढक्कन खोले और दोबारा इसको हम कस के फिर से पूरी तरह से क्लोज कर सकते हैं। वेल क्लोज कंटेनर ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार उसके ढक्कन को बंद करके वेरी तरह से क्लोज कर सकते हैं। जिसको पलटो के बंद करोगे तो वह ऊपर से गिरेगा नहीं। जैसे कि हमको एग्जांपल पंकज ये बॉटल पकड़ाना, तो ये बॉटल पकड़ा, ठीक है, जैसे आपके सामने ये पानी है, ये बॉटल है, अब इसमें क्या बने हैं, राउंड्स बने हैं। अब इस बॉटल को हम इस तरह बंद करके प्रॉपर कस दिए, अब इसको गिरा दें, बिल्कुल पानी गिरने वाला है इसमें से नहीं। यानी ये जो कंटेनर है दिस इज कॉल्ड वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज्ड कंटेनर मतलब कि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है सेफ रहेगा, वो गिरेगा नहीं। मेन पर्पज गिरने से है, वो गिरेगा नहीं, चाहे कंटेनर टेढ़ा हो जाए, मेढ़ा हो जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, पूरी तरह से बंद है और उसको हम बार बार ओपन कर सकते हैं, बार बार क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेल क्लोज्ड कंटेनर। द सेकंड वन इज एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या होता है कि उसको इतना क्लोज करना है कि उसके अंदर हवा भी ना जा सके। बाकी कंटेनर के अंदर हवा जा सकती है क्योंकि हवा के साथ एयर झुकेगा, वो रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, रिएक्शन करेगा। एयर टाइट कंटेनर्स क्या होते हैं जिसमें पूरी तरह से क्लोज्ड होता है, जिसमें एयर भी इंटर ना कर सके। इसमें ऐसे कंटेनर में आपने देखा होगा अक्सर वार्सल लगा होता है, साइड में क्या होता है रबड़ का वार्सल लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है ये पूरी तरह से क्लोज्ड हो जाता है। आपने अक्सर ढक्कन के नीचे देखा होगा छोटा सा प्लास्टिक का या फिर रबड़ का वार्सल होता है जिसको क्लोज कर लेता है। तो एयर टाइट कंटेनर मतलब होता है कि ऐसे कंटेनर जिसमें से एयर भी एंट्री ना कर सके और वो पूरी तरह से बंद रहे। हिंदी में लिखना तो आसान है, अंग्रेजी में लिख सकते हैं दिस कंटेनर आर एयर रेजिस्टेंट कंटेनर इन विच देयर इज नो स्पेस फॉर एंट्री ऑफ एयर, ठीक है, सो द प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय विद द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला है हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। व्हाट इज द हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर? ये आपने देखा होगा, आपने देखा है कि जो वायल्स होते हैं इंजेक्शन वाले, अगर आपने इंजेक्शन वाले वायल्स देखे हैं तो वो वायल्स कैसे भरे जाते हैं, भरते हुए देखा, इस तरह से भरे होते हैं और इसमें हम जब मटेरियल को भर देते हैं तो भरने के बाद इसको फ्लेम के साथ आग के सामने रखते हैं और रख के इसको पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं। यानी ये कांच का ही क्लोजिंग, उस पर कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगा होता। कभी तुमने वायल देखा हो, डॉक्टर उसको काटता है फिर इंजेक्शन भरता है, उसमें कोई ढक्कन नहीं लगा होता। एक्चुअली दे आर हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर मतलब कि उसके ओपनिंग पार्ट को हीट करके, तो हीट करेंगे तो हल्का सा मेल्ट होगा और मेल्ट करके उसको ऐसे घुमा के सील कर देते हैं ये। अब जब भी हमको खोलना होगा हम एक बार तोड़ेंगे मटेरियल को निकाल, अच्छा एक बार खुल गया तो ये क्लोज भी नहीं होगा, यदि ध्यान देना, यानी एक बार इसको ओपन कर दिया तो फिर इसको हम क्लोज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, जिसमें हम हीट की हेल्प करके, टेम्परेचर का हेल्प लेके, फ्लेम की हेल्प से कंटेनर के वॉल को यानी कंटेनर के माउथ को सील करते हैं, ठीक है। अगला है लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ये क्या होते हैं फ्रेंड, आपने देखा होगा जो कुछ बॉटल्स होते हैं वो अंबर कलर के बॉटल्स होते हैं, अंबर कलर्ड बॉटल होते हैं या ब्राउन कलर्ड बॉटल होते हैं। आपको पता है कि बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सनलाइट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, यानी इस कंटेनर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो लाइट रेजिस्टेंट या लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी उसको लाइट के कॉन्टैक्ट में काफी देर तक रखा जाएगा
वो कंटेनर खराब हो सकते हैं। तो ऐसे कंटेनर को हम लोग बोलते हैं लाइट सेंसिटिव मटेरियल, और इसके लिए यूज करते हैं लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, यानी जब भी सूर्य का प्रकाश इस कंटेनर पे आएगा टकराएगा ये वापस लौट जाएगा, ठीक है, ये वापस लौट जाएगा क्योंकि ये कंटेनर के अंदर मटेरियल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसे बोलते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है और ड्रग को हमारे बचा के रखता है। द नेक्स्ट वन इज सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज मैंने बताया, ये वॉयल क्या होता है, इसमें एक बार में ही आप यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो वॉयल लेते हैं या वैक्सीन होती है, इसको क्या करते हैं ओपन से तोड़ते हैं और फिर इंजेक्शन की सहायता से इसको निकाल करके खींचते हैं और किसी को लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आधा निकाल के आधा छोड़ कर रख दिया बाद में यूज करेंगे, नहीं, ये सिंगल डोज कंटेनर का मतलब है कि इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। इस कंटेनर का यूज हम एक ही बार कर सकते हैं, ये कंटेनर हमारे काम का नहीं है। एक बार हमने इसको तोड़ा ओपन करके इंजेक्शन निकाला तो जितने भी वॉयल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एम्प्यूल्स, एक्चुअल में एम्प्यूल्स नॉट वॉयल्स, जितने भी एम्प्यूल्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। मल्टीपल डोज कंटेनर में वॉयल्स आते हैं, आपने वॉयल्स देखा होगा, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा पंकज जी का ध्यान देंगे, एक तरह की ऐसी सीसी होती है और उस सीसी में एक ऊपर से रबड़ का ढक्कन लगा होता है, और रबड़ का ढक्कन होता है इसके अंदर मल्टीपल डोज, से आपने कभी टिटनेस का इंजेक्शन देखा होगा तो ये एक वॉयल में आता है। वॉयल में क्या होता है कि ये आपने इंजेक्शन ने इस रबड़ के पाइप से पास किया, आपने इंजेक्शन को इस रबड़ के पाइप से पार किया और निकाल दिया, किसी पेशेंट को लगा दिया, अब ये क्लोज्ड है, आप दोबारा निकाल सकते हैं, दोबारा निकाल सकते हैं, इसी वायर में आप जो ड्रग भरी है उसको कई बार यूज कर सकते हैं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, दस बार, वो डिपेंड करता है कितने एमएल की सीसी है, 5 ml, 10 ml, 15 ml। तो इसमें क्या होता है, ऊपर एक रबड़ का कॉर्क होता है जो एयर घुसती है और ये तुरंत वापस सील होता है, खराब नहीं होता, इसे बोलते हैं मल्टीपल डोज कंटेनर या मल्टी डोज कंटेनर। इसमें क्या होता है कि हम जिसमें से इंजेक्शन के द्वारा मटेरियल को कई बार यूज कर सकते हैं, एम्प्यूल्स में एक ही बार यूज कर सकते हैं, वॉयल्स में कई बार यूज कर सकते हैं, दे आर मल्टीपल डोज कंटेनर। द नेक्स्ट वन इज एरोसॉल कंटेनर। आपने एरोसॉल कंटेनर के बारे में देखा होगा, उसकी खासियत क्या है कि वो पूरी तरह से क्लोज होता है, वो एयर टाइट भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, कैसे होता है उसमें इस तरह से पंचुएशन के लिए पंप बना होता है, इसको प्रेस करते हैं और ये पूरी तरह से सील्ड होता है, इसके अंदर प्रोपेलेंट गैस भरा होता है, ये पूरी तरह से सील्ड होता है, ठीक है, ये ऐसा सील्ड होता है, इसको हम जब यहाँ से प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारा जो है वो एरोसॉल या पंप बाहर निकलता है। तो ये एक स्पेशल टाइप कंटेनर होता है जो किसका होता है, ये हाई प्रेशर को बियर कर सके, यानी एरोसॉल कंटेनर सबसे खास बात ये है इसके अंदर जो प्रोपेलेंट भरा होता है वो हाईली प्रेशर क्रिएट करता है और प्रेशर से ही लिक्विड बाहर निकलता है, लिक्विड बाहर निकल के गैस बन जाता है। तो ये जो होते हैं वो ऐसे कंटेनर होने चाहिए जो रफ ब्रश्ट ना करे, वो हाई प्रेशर पे फटे ना, और ये इसमें लीकेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये हमारे होते हैं मल्टी डोज, ये हमारे एरोसॉल कंटेनर होते हैं। तो लास्ट वन इज सीआरसी। सीआरसी मतलब होता है चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर। आपने कुछ प्लास्टिक की फ्रेंड बॉटल्स देखी होगी, प्लास्टिक की कुछ सीसी देखी होगी, उसके ऊपर एक अजीब सा ढक्कन लगा रहता है जिसको सीआरसी बोलते हैं, यानी ऐसा ढक्कन जिसको बच्चे खोलते रहेंगे, खुलेगा नहीं, आप ही नहीं खोलेंगे, उसको हल्का सा प्रेस करो फिर घुमाओ खुल जाता है, लेकिन उसको ऐसे घुमाते रहो कभी नहीं खुलेगा, ये सीआरसी। आपने देखा कुछ छोटे बच्चे होते हैं, कुछ दवाइयाँ घर में उनके पास होते हैं, डिब्बे खोला और खा लिए, छोटे बच्चे होते ना कुछ भी खोलते रहते तोड़ते रहते, तो बच्चों से बचाने के लिए, तो वो कंटेनर बच्चे को टेक्निकली कंटेनर होता है, उसको खोलने के लिए थोड़ी सी टेक्निक लगानी होती है कि आपको ढक्कन को थोड़ा सा प्रेस करना होता है और फिर घुमाना होता है, तो जो लोग उसको प्रेस नहीं करेंगे वो खोल नहीं पाएंगे। तो सीआरसी मतलब चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर, यानी ऐसा कंटेनर जो बच्चे उसको नहीं खोल सकते हैं, वो एक टेक्निकली उसमें क्लोजर लगा होता है, तो ये उसको बोलते हैं चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर। ये कुल 8 प्रकार के कंटेनर थे, एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है एग्जाम में कि कंटेनर्स कितने प्रकार के होते हैं, मेरे ख्याल से सारे कंटेनर आप समझ गए होंगे, नाम याद करिए और खुद की भाषा में लिखिए, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी में, आप खुद से लिख लेंगे मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ग्लास के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लास है, और ग्लास के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया कि ग्लास का नेचर क्या होता है, ग्लास कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ग्लास का टाइप क्या होता है, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है और एग्जाम में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता ही आता है ग्लास के टाइप के बारे में। तो हम नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में जब आएंगे तो हम आपके सामने लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ ग्लास की बात करेंगे और ग्लास की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।